हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम क्लास 12th के बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से आज हम पढ़ेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस? ठीक है, देखो मेनली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब क्या है, इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है। फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, दैट इज़ द टू सेपरेट फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज क्या होता है कि डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करना। ठीक है, अब नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ऑब्वियसली हमको इसमें समझ में आता है, क्या समझ में आ रहा है कि इसमें कोई ना कोई जेल तो यूज़ हुआ होगा। तो देखो इस जेल का नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट जेल, दैट इज एग्रोज जेल। ठीक है, ये एग्रोज जेल का यूज़ है। ठीक है, एग्रोज जेल कहाँ से मिलता है हमको, यस सी विट से। ठीक है, अब देखो, अब हमको डीएनए मिलेगा कहाँ से, दैट इज ऑल्सो वन क्वेश्चन। ठीक है, डीएनए सैंपल, तो देखो जो डीएनए सैंपल है वो हमको किसी मिल सकता है, जैसे कि कुछ केस हो गया, क्राइम केस हो गया, मर्डर केस हो गया है, कुछ भी केस में हमको डीएनए का सैंपल मिलता है। ठीक है, अब उस डीएनए के सैंपल को हमको निकालना है, फिर उसके फ्रैगमेंट्स को निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है अपन को उसको, यस उसके फ्रैगमेंट्स को निकाल के उसको निकालना है, छोटे छोटे पार्ट्स करना है ताकि हमको वो पता चले। ऑल राइट, ठीक है, अब देखो फिर उसमें बाद हमारा एक ट्रे होता है। ठीक है, देखो आई मेड इट, यस दिस इज योर बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आपका बफर सॉल्यूशन है, आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, सॉरी थोड़ा इधर हो गया था। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है और ये आपका नेगेटिवली चार्ज कैथोड है। ठीक है, आपका डीएनए कौन से चार्ज का होता है, यस यू आर राइट, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज और वो अट्रैक्ट किस तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑल राइट, अब देखो इसमें हमारा वेल्स रहता है। ठीक है, वेल ये क्या है अपन का, वेल्स रहता है। ठीक है, और डीएनए कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। जो डीएनए का सैंपल है वो वेल्स में जाना चाहिए। ठीक है, जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है बेसिकली क्या है, ये छन्नी का काम करता है। छन्नी इन द सेंस, आप चाहे छानोगे तो देखोगे कि जो लार्जेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ लार्ज पार्टिकल होगा, यहाँ आपका स्मॉल पार्टिकल्स होंगे। ठीक है, अब ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है, ओहो ओके ओके, देखो ये साइज़ के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, यहाँ आपका क्या रहेगा, यस यू आर राइट, यहाँ लार्ज। ठीक है, उसके बाद आपका ये स्मॉल स्मॉल होते होते यहाँ स्मॉल और स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, अब देखो इसको हमको देखना है, तो हम इसको पहले, तो मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई कि इस सैंपल में डालने से पहले डीएनए को हम क्या करते हैं, डीएनए को हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉरी स्टेन करेंगे। ठीक है, स्टेन किससे करेंगे, इथिडियम ब्रोमाइड से। अब ये इथिडियम ब्रोमाइड कलर कौन सा देगा आपको, ऑरेंज कलर। ठीक है,
ऑल राइट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। अब ये जो हमारा क्या डीएनए फ्रेगमेंट्स है वो इस तरफ जाता है किस तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैसे, बाय द सीविंग इफेक्ट, ठीक है, सीविंग इफेक्ट, ठीक है। अब देखो, अब हमको ऑरेंज कलर भी मिल गया, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे कैसे, अब हम इसको देखेंगे कैसे भाई, देखना भी तो है ना, हाउ टू सी बाय द यूवी रेज, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अब देखो, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट थ्रू एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, इसको क्या बोलते हैं, इल्यूजन, ठीक है, एक टर्म है इल्यूजन। ऑल राइट, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। देखो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। जेल है, एग्रोस जेल कहाँ से मिलता है हमको, सीविट से, ठीक है। और डीएनए कहाँ से मिलेगा, सैंपल से, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। डीएनए, उसके बाद हम डीएनए को स्टेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इथिरिडियम ब्रोमाइड, ऑरेंज फ्रेगमेंट होगा, सॉरी स्पेलिंग ऑरेंज का रॉन्ग हो गया, आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद हम ट्रे में डालेंगे, ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है, ये ट्रे है, ये वेल्स है, ये निगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। डीएनए निगेटिवली चार्ज है तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, और हमारा जो डीएनए सैंपल है वो वेल्स में जाना चाहिए, और ये छलनी के जैसे काम करेगा, ठीक है। जो लार्ज पार्टिकल है वो यहाँ रहेगा और जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो यहाँ रहेंगे, ठीक है। इसको देखने के लिए हमको यूवी रेज की ज़रूरत पड़ेगी, और इल्यूजन ये होता है, द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट फ्रॉम द एग्रोस जेल एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस। आई होप गाइस दिस इज क्लियर टू यू ऑल।